हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, आज के इस दुनिया में जहां सारे के सारे देश डिफेंस के मामले में अपने आप को और ज्यादा सिक्योर करने में लगे हुए हैं, जिसके अपने आप में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर अगर बात करंट कंडीशन की जाए तो कुछ देशों के लिए यह करने के पीछे चाइना एक बहुत बड़ा खतरा और मोटिवेशन दोनों है। क्योंकि एक तो चाइना देशों में से है जो अपने आप से काम करना जानता है, और उन्हें जब जहां ना फायदा दिखता है वह तब वहां आगे बढ़कर किसी के भी हित को नुकसान पहुंचाने से पहले शायद दो बार भी नहीं सोचता है। लेकिन सिर्फ यही एक बात नहीं है जो जिनपिंग के ड्रैगन को पूरी दुनिया के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बनाती है। चाइना को दुनिया भर में खतरनाक यह बात बनाती है कि जब बात डिफेंस मैन्युफैक्चरर की आती है तो चाइना इस मामले में दुनिया के नंबर वन पोजीशन में है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह बात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट की गई एक इंडिपेंडेंट स्टडी से पता चली है, जिसने अपने स्टडी में भारत को फोर्थ पोजीशन असाइन की है। हालांकि इस रिसर्च का रेफरेंस ईयर साल 2020 है। इसे सिर्फ 12 देशों के बीच में कंडक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी जापान, जो कि इस लिस्ट के दूसरे पोजीशन पर है, वह भी चाइना से सेल्फ रिलायंस स्कोर के मामले में दो गुना कम है। जिसका मतलब है कि फिलहाल इंडो पैसिफिक देशों को और भी वक्त लगेगा आत्मनिर्भरता के मामले में चाइना को टक्कर देने में, और चाइना का सेल्फ रिलायंट होना इस पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। क्योंकि सर, जब कोई देश किसी और देश के साथ गलत करता है, उन पर हमला कर देता है या फिर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करता है, तो उन्हें बैन का डर दिखाकर रोकना आसान हो जाता है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टैंडिंग और ट्रेडिंग के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं, जैसा कि हमने यूक्रेन और रशिया के केस में देखा था। जिस वजह से आज रशिया दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक होने के बावजूद शायद यूक्रेन से हार सकती है, लेकिन चाइना की कमजोर कड़ी चाइना के अलावा किसी को भी पता नहीं होगी, या एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में चाइना को किसी भी बात का डर नहीं होगा। ऐसे में चाइना को किसी उग्र हरकत करने से पहले रोकना पूरी दुनिया भर के लिए मुश्किल हो जाएगा, और चाइना नाम की आफत दुनिया के किसी भी देश पर जब आएगी, उसके लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इन सब से डील करने का एक ही तरीका है कि देश अपने आप को इस हद तक आत्मनिर्भर रखे कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े, तब तक उन्हें किसी भी फॉरेन बॉडी के पास जाना ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अस।